नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल धनराज स्टडी सर्कल। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि जिस दिन पेपर अपलोड होंगे मैं उस दिन आपको एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे पेपर डाउनलोड करना है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो कि सभी बच्चे परेशान थे कि सर 16 पेज में कैसे आंसर हो पाएगा, उस चीज़ का भी मैं जवाब आज ऐसे दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। या अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि अभी सिर्फ एग्ज़ाम हो रहा है, आगे की जो भी समस्याएं आएंगी उनके बारे में भी मैं इस चैनल पर वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि गूगल आपके सामने है तो यहाँ पर बी यू भोपाल आप सर्च करेंगे तो सबसे पहला ही जो पेज आएगा बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल, बी यू भोपाल डॉट ए सी डॉट इन पे भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। आप जैसे इसको ओपन करेंगे गाइस, दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप सिस्क के थ्रू भी पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपको रिडायरेक्ट यहीं कर रहा है। मैंने करके देख लिया है, वो भी आपको रिडायरेक्ट इसी वेबसाइट पे कर रहा है और यहाँ से आपको अपने पेपर डाउनलोड करने हैं। सर हमारे पेपर कितने होंगे, क्या होंगे, ये आपके एडमिट कार्ड में ही मेंशन किया गया है। वो जो पेपर आपके एडमिट कार्ड में है वही यहाँ पर रहेंगे, उनमें से आप डाउनलोड कर लेना। खासकर वो लोग अवेयर रहे जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जिनके ऑप्शनल पेपर हैं। अब आप देखेंगे ये होम पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब इसमें ओपन बुक एग्जाम इन्फॉर्मेशन पोर्टल लिंक यहाँ पे दिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये पेज आपका ओपन हो चुका है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल देखिए ये आपको बता रहा है, पूरा यहाँ पे चार्ट दे रखा है किस तरीके से आपके पेपर कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको। वैसे भी दूसरी चीज़ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिख रही है, विद्यार्थी प्रवेश पत्र अपने SIS लॉगिन से डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही संबंधित महाविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों की सत्र 19-20 की परीक्षाएं पूर्व में प्रारंभ हो चुकी हैं और पुराने प्रवेश पत्र का भी उपयोग कर सकते हैं, यानी उनके पास अगर एडमिट कार्ड पुराना रखा है तो वही यूज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आज 10 बजे ही पेपर उपलब्ध करा दिए गए, लेकिन बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, तो मैं एक बार बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे, जैसे यहाँ पर आ चुके हैं आप तो ये आपको 3 लाइंस दिख रही होंगी, इन पर आप क्लिक करिए। 3 लाइंस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलेक्शन सेंटर की लिस्ट आ रही है, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, फर्स्ट पेज ऑफ द आंसर शीट। यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट पेज जो मैंने आपको लिंक में दे रखा है लास्ट वीडियो में वही है, आप इसको वहां से प्रिंट करा लें। और यूनिवर्सिटी ने कल एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया कि आप हाथ से भी लिख सकते हैं ऐसा का ऐसा। दूसरी चीज, पापती का आपको एक ही प्रिंट लेना है और ये आपको लेके जाना है, इसी में वो लोग जब आप कॉपी जमा करेंगे वहां से मिल जाएगी। जो लोग स्पीड पोस्ट कर रहे हैं वो लोगों के लिए हिदायत दी गई है कि वो 16 से पहले पहले कर दें। दूसरी चीज, उनको पापती उनकी रिसीविंग ही मानी जाएगी। वीडियो में ये चीज क्लियर नहीं की गई थी कि पापती अगर नहीं पहुंचता है इसके बारे में, इस तरीके से उन्होंने कोई बात ही नहीं की है, तो मैं भी कहूंगा कि ऐसा मान के चलो आप कि ये पापती आप लेके मिल जाएगी आपको। जो लोग ऑफलाइन जमा कर रहे हैं स्पीड पोस्ट कर रहे हैं उनके लिए वो रिसीविंग ही मान्य होगी। दूसरी चीज, ये फ्रंट पेज को लेकर ज्यादा टेंशन ना लें, जिनका एनरोलमेंट नंबर में जिनके ज्यादा बड़ा रोल नंबर है तो वो अपने कॉलम ऐड कर सकते हैं साइड में। और प्रश्न पत्र भरने संबंधी जानकारी मैं पहले ही दे चुका हूँ कि इसमें कैसे डिटेल भरनी है, किस तरीके से डाटा एंटर करना है। अब आ जाइए कि दूसरे नोटिफिकेशन पर, अंडर ग्रेजुएट कोर्स वालों के लिए यहाँ पर, अंडर ग्रेजुएट 6 सेमेस्टर वालों के लिए यहाँ पर, इसके अलावा क्वेश्चन पेपर पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए, ATKT सभी के लिए यहाँ पर पेपर यहाँ पर डाल दिए गए हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक एक, जैसे अंडर ग्रेजुएट क्वेश्चन पेपर की हम बात करें तो इस पर मैं क्लिक करके दिखाता हूँ क्या क्या है। बैचलर ऑफ आर्ट्स, BBA BCOM आप देख रहे हैं यहाँ पर, कोई भी आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये लिंक ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर बहुत सारा थोड़ा सा आपको वेट करना है, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो होता है या चीज़ें अपलोड डाउनलोड होने में टाइम लगाती हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके पास पहला पेज मैंने प्रिंट ओपन किया तो ये इस तरीके से कुछ ओपन हो जाएगी PDF। आप गाइस देख सकते हैं यहाँ पे आपको सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस के आंसर करने हैं आपको। अब बच्चे बोल रहे थे सर कैसे होंगे 16 क्वेश्चन, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि क्वेश्चन पेपर इस बार छोटा होगा, क्वेश्चन पेपर इस बार क्या होगा, छोटा होगा, जो कि सच में है। 4 क्वेश्चन आपको लिखने, 16 पेज में इजिली हो जाएंगे, यानी आप 4-4 पेज में भी लिखोगे तब भी हो जाएंगे। दूसरी चीज, 16 पेज से ज्यादा की कॉपी नहीं रखनी, हर पेज के हर क्वेश्चन पेपर के फ्रंट में ही आपको यहाँ पे जानकारी दे रखी है। देखिए क्या लिखा है, प्रत्येक खंड से पूछे गए प्रश्न पत्रों के समान अंक समान है, प्रत्येक खंड का उत्तर नवीन प्रश्न से प्रारंभ करना है, समस्त प्रश्नों को अनिवार्यता हल करें, उत्तर पुस्तिका की संख्या सामान्यतः 16 प्रश्न से अधिक ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। विद्यार्थी द्वारा स्वयं की हस्तलिपि में ही लिखना अनिवार्य है, विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका का प्रथम पृष्ठ विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त कर सकता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं
यहीं से पीजी का कैसे निकालेंगे, तो अंडर ग्रेजुएट 6 सेमेस्टर हो गया, अंडर ग्रेजुएट 6 सेमेस्टर के पेपर भी यहाँ पर अपलोड किए इन्होंने, ये रहे यहाँ पर, आप यहाँ पर किसी भी चीज़ को आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, जैसे मैं BA 680 KT का है, ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग पेपर ये 80 KT वालों के लिए हैं, और पीजी का एक साथ इन्होंने अपलोड कर दिया है, ठीक है, 80 KT और सभी के लिए यही क्वेश्चन होंगे पीजी में। जैसे अब मैं बात करता हूँ एम कॉम के क्वेश्चन की, हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं, तो ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ये सभी के लिए रेगुलर प्राइवेट एंड 80 KT सभी के लिए यही क्वेश्चन रहेंगे गाइस। अब यहाँ से मान के चलिए इनडायरेक्ट टैक्स का मैंने पेपर ओपन किया, तो इनडायरेक्ट टैक्स के पेपर में कितने यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन हैं और 5 ही करना अनिवार्य है और एक ही पार्ट है इसका पेपर 3, ठीक है। और हाँ कोड की बात करूँ तो ये जो शुरुआत में दिया है BBC 15 ये कोड है आपका, ठीक है, पेपर कोड है एमकॉम 4 सेमेस्टर, ये आपकी क्लास हो गई एग्जामिनेशन 2020 सप्लीमेंट्री स्पेशल ग्रुप स्पेशल GP टैक्सेशन जो भी है व्हाटएवर, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स का ये पेपर है और सभी के लिए है ये पेपर 80 KT और सभी के लिए। इस तरीके से आप अब दूसरे फोल्डर पे हम जाते हैं, किस तरीके से जाना है ये यहाँ पे क्लिक किया। अब आपको अगर बीएड वगैरह वाले बच्चे पूछ रहे थे हमारा कहाँ से होगा, तो प्रोफेशनल कोर्स में आप जाएंगे, यहाँ से बीएड वगैरह के पेपर आपके डाउनलोड होंगे, BA BEd BSc BEd और BEd, ठीक है, यहाँ पर आपके MBA BPEd सभी के पेपर आप देख सकते हैं यहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं। अब BEd वालों का मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, BEd वाले यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर बहुत सारे पेपर दिखेंगे, आप परेशान मत हो जाना, आपके कुछ पेपर कंपलसरी हैं और कुछ ऑप्शनल हैं, तो आपके एडमिट कार्ड पे वो मेंशन होंगे, और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने कॉलेज संपर्क कर सकते हैं कौन कौन से सॉल्व करने हैं। देखिए 185, 186, 187, 188 यहाँ तक जो है पेपर कॉमन है 4 पेपर, और इसके बाद इनमें से ऑप्शनल है वो आप देख लीजिएगा आपका कौन सा आपने ऑप्शनल ऑप्ट किया है, वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मान के चलिए मैं सबसे पहला 185 ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, टोटल कितने क्वेश्चंस हैं 5 ही क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। अब अगर आप 250-250 वर्ड में भी अगर आप देते हैं और अगर दो दो पेज में भी लिखते हैं तो 10 पेज में हो जाएगा गाइस, इजीली आपकी कॉपी बन पाएगी, फालतू में आप परेशान हो रहे थे और 10 पेज हो जाएंगे तो 15-16 से ज्यादा नहीं रखने, तो टेंशन ही खत्म हो जाएगी ना। मैं आपको अब थोड़ा सा यहाँ पर डेमो दे देता हूँ किस तरीके से चीजें करनी है। ये आपका मान लीजिए क्या है फ्रंट पेज है, अब फ्रंट पेज पे आपने ये सारी डिटेल आ गई आपकी, ठीक है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी BU भोपाल और ये सारी चीजें आपकी आ गई, ठीक है, यहाँ पर आपकी जो भी डिटेल है रोल नंबर वगैरह ये सारी डिटेल आ गई। ये पेज आप पूरा ब्लैंक छोड़ दीजिए, यूनिवर्सिटी ने कहा है कि आप उसके पीछे से लिख सकते हैं, लेकिन आज तक हमने जितने भी एग्जाम दिए उनमें तो नहीं लिखते थे। दूसरी चीज ये जब हम A4 साइज पर प्रिंट करवाएंगे तो ये विदाउट लाइन होगा, और हम जो रजिस्टर के पेज लगा रहे हैं साइड में वो कौन से लाइनिंग वाले हैं, तो भाई लाइनिंग वाले से लिखना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली कहाँ से लिखना शुरू करोगे आप बताओ, पेज नंबर 3 से लिखना ही शुरू करना ज्यादा बुद्धिमानी वाली बात होगी ना, पेज नंबर 3 से ही शुरू करिए आप लिखना, और जब आप मेंशन करोगे कितने पेज हैं तो मैं कहता हूँ 10 से 12 पेज में आपका आंसर हो जा रहा है, ज्यादा फेंकने की क्या जरूरत है गाइस। अगर वर्ड भी आप काउंट करके देखोगे तो 2 पेज में जो है इजिली 250 वर्ड हो जाते हैं, तो आप 12 पेज इस तरीके से लिख दीजिए आगे पीछे करके, यानी 6 पेज लगा दीजिए और एक ये हो गया, टोटल कितने हो जाएंगे 14 पेज, 6 6 दुनी 12 ये हो गए और 2 ये हो गए, टोटल कितना हो गया बोलिए 14, यहाँ पे 14 मेंशन कर दीजिए, ठीक है। और भी आपको दिक्कत लिख रहे हैं एक और लगा दीजिए, बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज है, सर यूनिवर्सिटी ने बोला है कि फ्रंट को छोड़कर 16, अरे भाई साहब जब 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करने हैं, आप देख सकते हैं आपके आपके सामने मैं पेपर दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं कोई भी पेपर जो है यहाँ पे आप देख लीजिए कोई भी पेपर चार पांच क्वेश्चन से ज्यादा है ही नहीं। ये आपका एमकॉम का पेपर है 5 क्वेश्चन है, ये आपका बीएड का पेपर है, ये एमकॉम का पेपर है सॉरी, और ये आपका बीएड का पेपर है 5 क्वेश्चन है, ये आपका बीकॉम का पेपर है 4 क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां से अगर आपको और किसी का भी देखना है तो आप देख सकते हैं, अब बीएड में भी अगर मैं मान के चलिए चलिए मैं ये एनवायरमेंटल एजुकेशन का पेपर दिखाता हूँ, 4-5 ही क्वेश्चन होंगे बस, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, आप फालतू में ही खामखा परेशान, 4 ही क्वेश्चन है ये लीजिए गाइस, ओनली 4 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है सिर्फ 4 क्वेश्चन है, इजिली आप अगर इनको 250-250 वर्ड में लिखते हो तो मुश्किल से 10 या 12 पेज में हो जाएंगे, फालतू में आप परेशान हो रहे हैं तो आपको मैं बाद में भी। दूसरी चीज यूनिवर्सिटी ने अभी भी ये बताया है कि कंट्रोल रूम का नंबर स्पेशली कौन सा है, यूनिवर्सिटी ने वीडियो जारी किया उसमें भी उन्होंने कंट्रोल रूम का नंबर नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा क्या करना है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं वन सेकेंड, यहाँ पे कलेक्शन सेंटर की लिस्ट दे रखी है, कलेक्शन सेंटर की लिस्ट पे जाए, अब कलेक्शन सेंटर भोपाल सीहोर हरदा रायसेन होशंगाबाद विदिशा बैतूल और राजगढ़, इतने शहरों की व्यवस्था है। तो भैया आप जिस शहर में आते हैं, जैसे राजगढ़ में आते हैं आप, अब राजगढ़ पे आप क्लिक करिए,
अब राजगढ़ में यहाँ पर आपके पास एक लिस्ट दिखेगी और उस लिस्ट में देखिए आपके पास यहाँ पर क्या क्या नंबर दे रखे हैं, ठीक है। ये आपको फोन नंबर एंड फैक्स नंबर दे रखा है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। दूसरी चीज और क्या क्या डिटेल है आप देख सकते हैं, राजगढ़ वाले इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो ऊपर दिया है, ठीक है। ये आपके ये सारे कलेक्शन सेंटर है, यहाँ पर आप जाके जमा कर सकते हैं। दूसरी चीज और कहाँ संपर्क कर सकते हैं, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं कि आपको कॉपी कहाँ सेंड करनी है। कॉपी सेंड करने की बात करूं तो यूनिवर्सिटी ने भी जो वीडियो जारी किया है उसमें यही बोला है कि आप 16 से पहले पहले आप कुरियर कर दें असुविधाओं से बचने के लिए। तो भाई साहब आपके पास सिर्फ 4 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, 5 का आंसर लिखना है, एक दिन में सारी कॉपी बनाई है और 14-15 तक आसानी से आप कुरियर कर दीजिए जो भी एड्रेस आपको इन पे संपर्क करके जहां पे वो बोलते हैं। दूसरी चीज आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, कैसे पेपर डाउनलोड करना है, क्या करना है, कैसे आंसर देना है। और दूसरी चीज सिस के थ्रू आप लॉगिन करना चाहें तो सिस के थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन वो इसी पेज पे आपको रिडायरेक्ट करेगा जहां पर मैं आपको बता रहा हूँ, यही आ जाता है वो भी, ठीक है। और कुछ जानकारी है नहीं यहाँ पर अभी ज्यादा। और इस तरीके से पेपर डाउनलोड करके मेनली अभी आप लिखना शुरू करिए। और फ्रंट पेज का मैंने आपको लिंक दे दिया था, इस वीडियो में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी ने खुद कलेक्शन सेंटर्स और फर्स्ट पेज सारी जानकारी यहाँ पर दे दी है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पापती का मैंने फ्रंट पेज नहीं दिया है, तो मैं यही पेज जो है वो लिंक, इस पेज का जो है लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके ये पेज डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जो मैंने पेज दिया है उसको भी आप प्रिंट करा सकते हैं। पापती का एक ही प्रिंट निकलवाना, ज्यादा से ज्यादा 2 निकलवा लेना अगर एक गलत होता है तो। दूसरी चीज इनवेलप आपको लेके जाना है, जो चीज मैंने आपको पहले भी कही थी वो यूनिवर्सिटी ने भी क्लियर की है। फिर भी अगर आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, तो विश यू ऑल द बेस्ट। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन हैं, बहुत आसान पैटर्न सेट किया है यूनिवर्सिटी ने। आप बढ़िया क्वेश्चन को आराम से कूल माइंड से लिखेंगे ना, तब भी अगर एक एक घंटे में आप पेपर कर सकते हैं, इतने बड़े बड़े ओनली पेपर हैं, एक दो घंटे में आप आराम से कर पाएंगे। एक ही दिन में सारे क्वेश्चन पेपर लिख लीजिए। मैं आपसे यही कहूंगा अभी फ्रंट पेज अटैच मत करिए, कॉपी बनाना शुरू कर दीजिए जैसे आप बनाते थे। फ्रंट पेज बाद में लास्ट में अटैच होगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये पेपर अपलोड रहेंगे और अगर आपको लगता है कि भैया नहीं ये हटा सकती यूनिवर्सिटी तो डाउनलोड करके सारे रख लीजिए। वैसे तो यूनिवर्सिटी ने बोला है ये लास्ट मतलब 14 तक ये पेपर वेबसाइट पर अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, और अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।